पहले तो सुनते थे नरेंद्र मोदी के साइड इफेक्ट हो रहे हैं, अब असदुद्दीन ओवैसी के भी साइड इफेक्ट होने लगे। प्रॉब्लम है ये बीजेपी पार्टी तो झूठ के ऊपर खड़ा है ना। अब एक से शुरू करे दुर्गा पूजा का बात बोल रहा है, अब बंगाल में आके देखिए दुर्गा पूजा फेस्टिवल को ममता बनर्जी इंटरनेशनल लेवल में ले गया, तो आप लोग कभी कर नहीं सकेंगे। आप लोग ये बोल रहे हैं ना मोदी सरकार का, अगर बंगाल का साथ स्टेप मदर एटीट्यूड नहीं किए होते तो आप लोग एमएसपी के लिए जो सीरियल खरीदते हो ना, बंगाल में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, उससे कहीं गुना कम प्रोडक्शन होता है बीजेपी राज स्टेट से। लेकिन सेंट्रल जब खरीदता है तो बंगाल से कम खरीदता है, उन लोगों से ज्यादा खरीदता है। हम लोग ये बोल रहे हैं ना, अभी ये किसान आंदोलन तो हम लोग तो कॉर्पोरेट के हाथ में भेज दिया, नाउ द फार्मर्स आर एट द मर्सी ऑफ द कॉर्पोरेट। और अब ये लाभ जिहाद का बात बोल रहा है, ये बंगाल का आदमी क्यों, पूरा देश में पता चल गया ये बीजेपी जो है इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस में इंक्रोच करता है, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पड़ेगा, कौन किससे प्यार करेगा, कौन किससे शादी करेगा, किसका घर कौन जाएगा, ये सब कुछ का ऊपर एनक्रोचमेंट होता है बीजेपी के लिए। और आप लोग ये अच्छी तरह जानती जाइए, मंडी का बात बोल रहा है ना, ममता बनर्जी जैसा किसान फ्रेंडली गवर्नमेंट पूरा देश में कहीं नहीं है। जवाब दीजिए, देखिए अंजना जी पहले इन्होंने किसानों की बात की, उसके बाद कौन किससे प्यार करेगा ये बात कर रहे हैं। नंबर एक किसानों के बारे में, बंगाल की जनता क्योंकि इस डिबेट को बहुत ध्यान से सुन रही होगी, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता हूँ, आप पूछिएगा जयंत दास से मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं। बंगाल का और खास करके आप साउथ बंगाल की बात कर रहे हैं, वहां एक बहुत बड़ा उत्पाद होता है आलू का, आलू बहुत अच्छे आलू होते हैं और वो आलू बहुत बहुत बड़े तादाद में उत्पाद होते हैं। वो आलू 2013 में ममता बनर्जी ने बैन कर दिया था कि, और सबसे बड़ा खरीदार जो है जिस राज्य से मैं आता हूं उड़ीसा, सबसे बड़ी खरीदारी करती थी बंगाल की आलू की। 2013 में ममता बनर्जी ने बैन किया कि कोई भी आलू बंगाल का उड़ीसा को हम नहीं बेचेंगे। आज जो आलू कृषक है बंगाल का उसको इतना नुकसान झेलना पड़ रहा है क्योंकि एक सेकंड सर फिर देखिए ये बीच में क्यों बोलते हैं आप, मैं तो आपके बीच में नहीं बोलता हूं, आप तो, अरे सर देखिए हम दोनों डॉक्टर हैं, ऐसे थोड़ी कर, मेरा ऑपरेशन खत्म हो जाए उसके बाद फिर आप सोचिएगा क्या करना है, आप ड्रेसिंग कर दीजिएगा, पहले मैं आपका ऑपरेशन तो कर दूं पूरा। फिर क्या होता है, देखिए ममता जी ने 2013 में बैन कर दिया कि उड़ीसा आलू नहीं खरीदेगा बंगाल से, बंगाल का आलू अब उड़ीसा नहीं खरीदती है क्योंकि उड़ीसा ने अपना अलग प्रायोजन कर लिया, उन्होंने दूसरे स्टेट से आलू खरीदना चालू कर दिया। इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा, बंगाल के किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। आप बंगाल के किसी भी आलू कृषक से ये पूछ लीजिए, जयंतदा बैठे हैं जयंतदा से पूछ लीजिए कि ये हो रहा है कि नहीं। और जहां तक इन्होंने कहा कि कौन किससे प्यार करेगा ये बीजेपी, अरे कौन किससे, आप जिससे भी प्यार करना है प्यार करिए, मगर अभी बिल्कुल सही समझाया अजनिवेश जी ने, ये फोर्सफुल कन्वर्शन, किसी का फोर्सफुल कन्वर्शन ना हो इस विषय को लेकर कानून है। इस कानून का नाम लव जिहाद कानून नहीं है, ये धर्म स्वतंत्र कानून है, आप स्वतंत्र हैं, आप स्वेच्छा से किसी धर्म में जा सकते हैं, फोर्सफुली कन्वर्ट आपको नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जल्दी से शांतनु जी एक रिस्पांस, फिर मैं आ रही हूं आपके पास। अपनी जोशी आप तो ऑपरेशन अनसक्सेसफुल एंड पेशेंट डेड हो गया ऑलरेडी, रेस को पिछले 14 साल से आपको ऑपरेशन अनसक्सेसफुल पेशेंट डेड, आलू का बात बोल रहा है आप लोग तो आलू को एसेंशियल कमोडिटी का लिस्ट से हटा दिया, मतलब अरे पेशेंट तो टीएमसी था, क्या बोल रहे हैं, अरे मैं तो ऑपरेशन टीएमसी पे कर रहा था, ये बोल रहे टीएमसी डेड हो गया, ये क्या बोल रहे हैं, छी, नहीं, टीएमसी इज लिविंग, ऐसा मत बोलिए, मैं तो ऑपरेशन टीएमसी पे कर रहा था, मैंने तो बोला कि आई एम ऑपरेटिंग ऑन टीएमसी, और ये बोल रहे हैं ऑपरेशन अनसक्सेसफुल एंड पेशेंट इज डेड, मतलब वो राम अपनी पार्टी पे क्या बोल रहे हैं, ये भी टर्माइट निकले हैं, ये भी अंदर अंदर पार्टी को खा रहे हैं। आप ही ने अभी जेस्चर का बात बोल रहे थे ना, देखिए तृणमूल जेस्चर देखा है, बीजेपी को जेस्चर दिखाना आता ही नहीं है। अरे मैं तो बंगाल में किसानों के लिए आपने बोला पेशेंट इज डेड, और आप लोग क्या करते हैं, पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ा के किसानों को थ्रॉटल कर रहे हैं, कॉर्पोरेट का हाथ में बेच दे रहे उनको, और आप बोल रहे हैं आलू का भाव प्याज का भाव बंगाल में आके देखते जाइए। आपने सुनी थी पहले चर्चा असदुद्दीन ओवैसी के साइड इफेक्ट पर हो रही थी, ये तीन चीज की यहाँ पे चर्चा हुई, एक तो किसानों के ऊपर हुई, एक लग जिहाद के ऊपर हुई, ये बीजेपी टीएमसी कांग्रेस में तो बोलता हूँ एक ही थाली के चट्टे बट्टे। आज जब मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास,
मगर वो ये भूल जाते हैं कि आज इतने महीनों से हमारा किसान, जिसके अनाज खा के आप मैं संबित पात्रा सब यहाँ बैठ के डिबेट कर रहे हैं, वो दिल्ली की ठंडी में तड़प रहा है, बैठ आए, मगर मोदी जी का हृदय पिघलता नहीं है कि नहीं भाई ठीक है हम रिपील कर दे तीनों बिल वापिस, वो नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ भाजपा के मंत्री जाके बंगाल के अंदर हमारे हिंदू भाई बहनों को बोलते हैं कि आप शस्त्र उठा लीजिए और यदि अगर कोई आपके साथ प्यार मोहब्बत की बात सिखाए तो उसकी गर्दन को दबोच दीजिए, अहिंसा के रास्ते पे चले जाइए, तो क्या ये सिखाना चाह रहे। उसके बाद में आज एक इनके मंत्री ने बयान दिया कि यदि हम अगर जीत गए बंगाल के अंदर तो हम लव जिहाद का कानून वाला देंगे। अरे मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे बताइए संविधान में लव जिहाद का उल्लेख कहीं पर है? अगर दो कंसेंटिंग पार्टी अगर 18 साल के ऊपर कोई प्यार करता है एक दूसरे से संबित पात्रा तो आपको क्या प्रॉब्लम है? प्यार करने दो, प्यार दो, प्यार लो, क्यों किसी की मोहब्बत के बीच में दरार पड़ना चाहते हो? आप करो ना प्यार, हमको क्यों प्रॉब्लम है? आप बहुत प्यार करो, अरे क्यों गुस्सा? अरे आप प्यार करो ना, हमको क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जबरदस्ती कन्वर्ट मत करो बस। आपसे प्यार करके शादी की है, आप किसी की मोहब्बत के बीच में क्यों आना चाहते हो? अरे वारिस भाई आप प्यार करो ना, कोई रोक नहीं है प्यार करने पर। वारिस भाई आप क्या सोचते हैं, आप प्यार करेंगे तो हम रोक देंगे? बिल्कुल नहीं, आप प्यार करो मगर किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट मत करो। ये तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, अभी कहा है, 2 महीने पहले ही कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, और उससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा।